हिंसा मामले में 3 दिनों तक चुप्पी साधे समाजवादी पार्टी के 3 विधायक पहली बार खुलकर बोले हैं। विधायक मोहम्मद हसन रूमी, अमिताभ वाजपेयी और इरफान सोलंकी ने कहा किसी निर्दोष को फंसाया जाएगा तो वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैंट विधायक मोहम्मद हसन रूमी ने कहा पत्थर फेंकने वालों के घर बुलडोजर नहीं चलने देंगे, गैंगस्टर आसुका बर्दाश्त नहीं होगी, किसी भी पत्थर फेंकने वाले के घर पर बुलडोजर नहीं चलने दूंगा। विधायक रूमी ने यह भी कहा कि इस मामले में जितना जिसका गुनाह हो उस पर सबूत के आधार पर कानूनी कार्यवाही तय की जाए। IPC की धारा में पत्थर फेंकने की जो धाराएं हैं उन्हीं पर मुकदमा दर्ज करना होगा, ना कि पत्थर फेंकने वालों के मकान पर बुलडोजर चलाया जाए। मनमाने तरीके से NSA, रासुका और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किए गए तो पीड़ितों को न्याय दिलाने की लड़ाई भी लड़ी जाएगी। दंगों पर भाजपा राजनीति कर रही है। आर्य नगर से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी का कहना है कि हम समाजवादी पार्टी के लोग समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं और वो काटने का काम कर रहे हैं। किसी भी गलत काम में हम उनका साथ नहीं देंगे। नफरत फैलाने वालों से सख्ती से निपटना चाहिए, लेकिन किसी निर्दोष को जाँच के आड़ में फंसाया जाएगा तो वह बर्दाश्त नहीं होगा। सपा अपना काम बिना शोर मचाए जमीनी स्तर पर कर रही है। वह लगातार अधिकारियों और लोगों के संपर्क में है, सभी जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। तो वहीं सीसामऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी का कहना है कि वह 2 मई को परिवार सहित छुट्टी बिताने शहर से बाहर चले गए थे, उसके बाद ही यह बवाल हुआ। पूरे घटनाक्रम पर निगाह है, किसी भी निर्दोष पर जाति नहीं होगी। इसे लेकर वह लगातार पुलिस कमिश्नर और पीड़ितों से संपर्क में है। किसी भी निर्दोष पर कार्यवाही बर्दाश्त नहीं होगी। शहर आने पर लोगों से मिलकर इस पूरे मामले को खुद देखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।